नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। केथल पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ुंग। आने वाली 5 तारीख को रैली की जाएगी, उस पर आज उन्होंने चर्चा भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों पर पर्चे दर्ज करने से आंदोलन दबने वाला नहीं है। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। गुरनाम सिंह चढ़ुनी ने करनाल में हुए लाठीचार्ज की भरपाई की मांग करते हुए कहा कि जो लोग इस लाठीचार्ज में घायल हुए हैं उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा और जो किसान शहीद हो चुके हैं उनके घर वालों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी और जो गाड़ियां टूटी हैं और जिन्हें तोड़ा गया है उनका भी मुआवजा दिया जाए। जिन अधिकारियों ने लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए हैं और जिन्होंने लाठियाँ बरसाई हैं, क्यों लाठियाँ केवल सिर पर नहीं बल्कि टांगों पर मारी गई। अगर 6 सितंबर तक सरकार इन मांगों को नहीं मानती है और गौर नहीं करती है तो 7 तारीख को करनाल में एक बड़ी अनाज मंडी में पूरे हरियाणा की एक महापंचायत बुलाई जाएगी और उसके बाद करनाल के लघु सचिवालय का घेराव किया जाएगा और यह घेराव तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी। वहीं सरकार द्वारा किसानों की बेरुखी पर बोलते हुए गुरनाम सिंह चढ़ुनी ने कहा कि सरकार राज हट कर रही है और राज हट ना तो राजा के लिए अच्छा होता है और ना ही जनता के लिए। किसान देशभक्ति की तरफ और देशभक्तों की तरह लड़ रहे हैं। यह देश को बचाने के लिए, देश को बेचने वालों को रोकने के लिए यह एक आंदोलन है। वही करनाल के लाठीचार्ज पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसान बिल्कुल भी अराजक नहीं है। किसान यहां पर आंदोलन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को वहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर आना था। इतनी दूर किसानों में कौन सी अराजकता फैलाई जा सकती है। उल्टा बैठे हुए किसानों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गई। वही करनाल के SHO पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब कोई दुश्मन मारता है तो दुख नहीं होता, परंतु जब कोई अपना मारता है तो तकलीफ ज़्यादा होती है। जिस तरीके से उन्होंने लाठियां बरसाई हैं, गाड़ियां तुड़वाई हैं और कानून के दायरे में ये बिल्कुल नहीं आता। उन्होंने कहा कि हमारा कहना है कि यह जो अपने परिवारों के लोग हैं कम से कम उन्हें शर्म करनी चाहिए। इनके लिए प्रता पूरे समाज में एक गुस्सा है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। करनाल में जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार ने दुर्भावना के तहत वो सब कांड करवाया है और उसमें हमने पंचायत की थी, मीटिंग की थी और उसमें हमने सरकार से मांग रखी है कि जो घायल हैं उनको 2 लाख रुपए मुआवजा, जिस भाई का की डेथ हुई है उसको 25 लाख रुपए मुआवजा और उसके बेटे को नौकरी, जो गाड़ियां टूटी हैं उनका मुआवजा और जो दूसरे अधिकारी हैं, SDM है और वहां के पुलिस अधिकारी हैं, उन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज हो। उन्होंने अपराध किया है और उनके ऑर्डर से और उनके लाठीचार्ज से एक किसान शहीद भी हुआ है तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, 304 का मुकदमा दर्ज बनता है। तो ये सब मांगे अगर 6 तारीख तक वो नहीं मानते तो 7 तारीख को हम करनाल में पंचायत करेंगे और करनाल में पंचायत करने के बाद वहाँ के सेक्रेटरिएट का घेराव किया जाएगा। क्या उसमें हम अपने भाइयों से कहना चाहेंगे कि ये आंदोलन जो है हरियाणा के अंदर आप सबसे टॉप का आंदोलन चला रहे हो, इसलिए हरियाणा के किसानों का धन्यवाद भी करना चाहेंगे और दूसरा ये कहना चाहेंगे कि आंदोलन किसी हालत उपद्रवी नहीं होना चाहिए। हमने किसी पे किसी हालत भी हाथ नहीं उठाना, हमने आप मुहारे नहीं होना। ये नहीं कि किसी ने भी वीडियो डाल दी और कहीं पे इकट्ठे हुए और कोई ऐसा काम कर दिया जो हमारे संज्ञान में भी ना हो, जो है वो सारा संगठन के तहत ही सारा काम हो, आप मुहारा कहीं पे ना हो वरना आंदोलन खराब ना हो जाता है। और हम जितने इनके अत्याचार सहेंगे उतने देश के लोगों की में जागृति, उनकी एकात्मा जागती रहेगी और आज हरियाणा के लोगों ने ये साबित कर दिया है कि आज पूरा देश के अंदर एक आक्रोश BJP के प्रति फैल गया है। तो ये आंदोलन को हमने शांति प्रिय लड़ना है और अगली जो रणनीति है वो 5 तारीख को हम मुजफ्फरनगर में एक बड़ी रैली कर रहे हैं और उसके बाद मोर्चा में एक प्रस्ताव रखेंगे हरियाणा की तरफ से कि जो अगला आंदोलन है वो तेज किया जाए। अब BJP और JJPA की तो आंखों में पट्टी बंधी हुई है, पता नहीं कौन सी है वो चढ़ा के रखते हैं जो उनको कुछ नज़र ही नहीं आता, पहले से ज़्यादा है। अब तो किसान सिर फटवाने से नहीं डरते, जेलों से नहीं डरते, मरने से नहीं डरते, पहले से ज़्यादा जोश किसानों के अंदर है। एक आवाज़ मारते हैं तो सारा हरियाणा बाहर निकल के खड़ा हो जाता है।